हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहले नील बटे सन्नाटा, फिर बरेली की बर्फी और अब अश्विनी अय्यर तिवारी लेकर आ रही हैं पंगा, जिसमें कंगना रनौत मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद अश्विनी, इस फिल्म के बारे में खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी। थैंक यू सो मच। अश्विनी, आपने दो फिल्में बनाई, नील बटे सन्नाटा और बरेली की बर्फी, काफी आपकी तारीफ हुई दोनों फिल्मों के लिए। अब आप पंगा लेकर आ रही हैं। बहुत सारी फिल्में, अभी एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि स्पोर्ट्स फिल्में बहुत बन रही हैं। आपके जो पति हैं नितेश, उन्होंने भी दंगल बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई थी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। आपके मन में ऐसा क्यों आया कि आपको भी एक स्पोर्ट्स फिल्म बनानी है, और ये जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? जब मेरे पास फॉक्सटेल स्टूडियो से कबड्डी का जो आइडिया था वो आया था, क्योंकि उनके पास आईपी है, वो प्रो कबड्डी लीग करते हैं, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, अरे यार पति ने तो दंगल कर दिया, अब मैं पंगा करूंगी। तो हमेशा 100% कंपैरिजन तो होगा ही होगा, बिकॉज वो होने वाला है। पर देन मैंने पंगा लिया क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टोरी बोलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नहीं, उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स ड्रामा इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, दिस इज़ अ स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा एंड इट इज़ स्पोर्ट्स। मैं हमेशा उसको ऐसे बोलती हूँ, क्योंकि इसमें जैसे मैंने शूट किया हुआ है, जब आप फिल्म देखेंगे, जैसे मैंने शूट किया हुआ है, जिस जो कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे आते हैं बाहर, जो मेरी पहले वाली फिल्मों में भी हुई हैं, वो एकदम रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, कि आप देखते हो कि आप में भी एक जया और एक प्रशांत रहेगा जो आएंगे और बोलेंगे कि ये आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इन ट्रू सेंस, एंड ऑल्सो इट्स नॉट अ बायोपिक और इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रियल पर्सन, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन अ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ जया एंड प्रशांत इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ दिस कंट्री एंड इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल आइडिया। और मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह एक प्रशांत और एक जया होती है, एक माँ, एक बहन, एक भाई, एक बेटा और एक हस्बैंड और एक पति और एक बाप के रूप में। और वो बहुत ज़रूरी है ये स्टोरी बोलना, क्योंकि हम हमारे देश में एक ऐसे पॉइंट में खड़े हैं अभी, जहाँ पे हम ट्रेडिशन और प्रोग्रेशन के बीच में हैं। एड्स भी बदल गए, कि हम दिखा रहे एड्स में जहाँ पे एक वॉशिंग पाउडर में एक हस्बैंड वाइफ साथ में कपड़े धो रहे, और पहले होता था कि सिर्फ घर की जो वुमन है वो कपड़े धोती थी, करेक्ट। तो अभी दोनों धोते हैं, तो वो वाला जब ट्रांजिशन होता है, मतलब कि इट इज़ द ईरा ऑफ को पेरेंटिंग, इट इज़ द ईरा ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर, इट इज़ द ईरा ऑफ कीपिंग एन ओपन माइंड एंड सेइंग कि कोई एक दूसरे के आगे पीछे नहीं चलेगा, सब साथ में चलेंगे। तो फ्रॉम सेइंग दैट बिहाइंड एवरी मैन देयर इज़ अ वुमन, कि एक आदमी पहले काम पे जाता था और उसको ऐसा लगता था कि घर पे सब ठीक ठाक है क्योंकि औरत सब संभाल रही थी, अब हम ऐसे भी बोलना चाहेंगे कि बिहाइंड एवरी वुमन देयर इज अ मैन, कि औरतें जाए काम करने के लिए बाहर और मर्द भी संभालेंगे घर। अश्विनी, आपने सही कहा कि को पेरेंटिंग का जमाना है, लोगों की सोच खुल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो देश भर में, अगर हम छोटे शहरों की, गाँव की बात करें और गरीबी की बात करें, तो जो लड़कियां होती हैं उनकी जो परवरिश होती है बचपन से, वो इस तरह से होती है कि बड़े होके आपको पराई होना है, आपको शादी करना है, उनकी मेंटेलिटी ऐसी बनाई जाती है, और जो उन लड़कियों के जो सपने होते हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाते, आधे से ज़्यादा तो पढ़ भी नहीं पाती हैं, और जो पढ़ लिख लेती हैं, हायर एजुकेशन कर भी लेती हैं, तो उन पर शादी दबाव बहुत बनाया जाता है, इसलिए वो कुछ इसके लिए करती। देखिए, पहले ऐसा होता था कि पढ़ाई नहीं होती थी लड़कियों की, और वो बोला जाता था कि पढ़ाई करो। उसके लिए नील बटे सन्नाटा मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि हर लड़की पढ़े, और वो पढ़ाई करने के लिए आपका सर्कमस्टेंसेस ये नहीं डिसाइड करता कि आप कितने आगे जा सकते हो। अब ये बोलते कि पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़का भी ऐसे ही मिलेगा फिर। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो एक एजुकेटेड लड़के को एक एजुकेटेड लड़की चाहिए, क्योंकि भले ही वो काम ना करे, घर के चेकबुक तो साइन कर सकती है और देख सकती है कि क्या हो रहा है।
पहले आप देखते थे कि मेडिकल स्टोर्स में या ग्रोसरी स्टोर्स में आपने कभी एक औरत को बैठे हुए नहीं देखा रहेगा, पर अब आप जाओगे स्मॉल टाउन्स में, एक औरत बैठती है दोपहर के टाइम पे जब आदमी खाना खाने जाता है और सोता है, तो वो बैठती है दुकान में ग्रोसरी संभाल रही है. दैट इज अ शिफ्ट ऑफ माइंड. शी इज एजुकेटेड एंड दैट्स व्हाई शी कैन डू द अकाउंट्स करेक्ट. एजुकेशन इसके लिए भी बोला जाता है कि आप पढ़ाई करो बट फिर शादी करोगे. शादी के बाद आपकी फैमिली डिसाइड करेगी, इन लॉज डिसाइड करेंगे, आपका हस्बैंड डिसाइड करेगा कि आप क्या कर सकते हो आगे. वो चेंज नहीं हुआ अभी तक. तो अश्विनी, ये जो कहानी है पंगा की, आपने रियल लाइफ जो ऑब्जर्वेशन आपके हैं सोसाइटी समाज के बारे में, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं इसमें? ये रिसर्च में मैंने बहुत देखा है. मेरे खुद के घर पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं मेरी कजिन्स, और उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और US में पढ़ी थी क्योंकि बच्चे हो गए. अब मुझे आई एम वेरी श्योर कि आपके घर पे भी आपने देखा रहेगा, ये हर घर पे होता है ये चीज़, और उसमें कोई गलत या सही कुछ नहीं होता. इट इज़ बेसिकली द सर्कमस्टेंसेज विच मेक यू डू दैट. वो आपको सिर्फ चेंज करना है. वो चेंज सिर्फ सिंगुलर नहीं हो सकता बिकॉज वी स्टिल बिलीव वी हैव दिस गिल्ट कॉन्शियस. हमारे एक औरतों में एक ये होता है, गिल्ट होता है कि नहीं यार अगर मैं ऐसे करूँगी ना तो फिर ऐसा हो जाएगा. भले ही मैं कितनी भी एजुकेटेड हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं ऐसी कहानियाँ बता रही हूँ, पर पिछले 10 दिन से मैं घर पर हार्डली हूँ क्योंकि पिक्चर रिलीज हो रही है हमारी, मैं स्टूडियोज और वही सब कर रही हूँ. तो एक आध बार तो मैंने मैसेज करके बोला है, फ़ोन करके भी बोला कि आई एम रियली सॉरी कि मैं घर पे हूँ नहीं, बट मुझे नहीं लगता नितेश ने कभी बोला रहेगा वो चीज़. अच्छा. क्योंकि वो एक मेंटालिटी होता है, हम इंग्रेव्ड होते हैं एज अ साइकी, हमारे DNA में होता है ये चीज़ कि हम हमेशा गिल्टी फील करेंगे कि छोटी चीज़ों के लिए कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया. अगर कोई लड़का या पुरुष करे तो आपको कभी वो नोटिस भी नहीं करेगा. सबसे बड़ा पंगा आपने जिंदगी से क्या लिया? मैंने सबसे बड़ा पंगा जिंदगी से ये लिया कि मैंने जब दुनिया बोलती थी कि आप नहीं कर पाओगे, मैं हमेशा बोलती थी मैं कर पाऊंगी और मैं करूंगी ये चीज़. मतलब मैं एग्जाम्पल दे सकती, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं एक US चली जाऊं, किसी अच्छे इंजीनियर के साथ शादी करूं, और मैंने नितेश के साथ शादी कर ली. वो मेरा सबसे बड़ा पंगा है. मैंने नितेश को प्रपोज किया तो वो भी पंगा है. मैं बिल्कुल बॉलीवुड में ABCD किसी को नहीं जानती थी और मैंने कर लिया अपना विथ प्योरली थ्रू माई स्टोरी टेलिंग एंड विदाउट एनीथिंग एल्स, ओनली थ्रू माई क्राफ्ट. सो दैट इज ऑल्सो अ बिग पंगा. नितेश से शादी करना क्यों पंगा है? नितेश के साथ शादी करना इसके लिए पंगा है क्योंकि मैंने खुद ही प्रपोज कर लिया और मैंने खुद ही बोल दिया कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ. एक दिन मैं अपनी मम्मी को जाके बोला, एक दिन में मिले थे, और मैंने एक दिन में जाके बोल दिया कि मैं एक लड़के को मिली हूँ, वो चेक शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता है, चश्मा है, और मुझे लग रहा सीधा साधा है तो अच्छा है. इन्होंने भी चेक शर्ट इंट्रोडक्शन दिया है आपने. इंट्रोडक्शन दिया था आपने नितेश का, शर्ट पहनता है, जीन्स पहनता. फिर मम्मी ने पूछा कि क्या है, क्या करता है, नॉल्ला, तो मैंने एडवर्टाइजिंग में और UP से बिलोंग करता है. बोलो साउथ नॉर्थ, मतलब तुम क्या, तुम घूंघट पहनने वाली हो घर पे? सो दैट इज अ फीलिंग यू नो, बट दैट्स व्हाट हमको और जुड़ना चाहिए, वी नीड टू नो मोर कल्चर्स. एंड मैंने बोला ऐसा पता नहीं क्या. फिर मैंने बोला कि पर IIT का इंजीनियर. अच्छा अच्छा, तो सब ठीक रहेगा. IIT का इंजीनियर सुनते ही माँ ने हाँ कह दी. तो सब ठीक रहेगा. बट उसके बाद जब हम लोग वो होता है ना, वो कोकोनट आके देते हैं और वो जो सब होता है, तो उसमें देखिए कि नितेश के कजन्स तो मतलब ऐसे MBAs और ऐसे ऐसे एकदम ऐसे हाई फाई थे कि मैंने मम्मी को बोला अब देखो अब बताओ, और हमारा तो मतलब ऐसे पूरा तेल डाल के फूल डाल के हम आ रहे, आधा हिंदी भी बात करना नहीं आता हमको. अश्विनी, नितेश ने दंगल बनाई थी और उसमें जो स्पोर्ट्स सीन थे, जिस तरह के सीन फिल्माए गए थे, हिंदी सिनेमा में इतने ऑथेंटिक स्पोर्ट्स सीन्स कभी नहीं देखे गए, जिस तरह की तारीफ हुई. आप जब इसके स्पोर्ट्स सीन फिल्मा रही थी तो आपके जहन में क्या कुछ चल रहा था? क्योंकि बेंचमार्क दंगल ने सेट कर दिया है, तो कोई अप्रिहेंशन था, कोई तनाव था आपके दिमाग में? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जब दंगल बन रही थी और जब वो स्पोर्ट्स बन रहा था तभी भी कोई बेंचमार्क नहीं था, तो उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया. मुझे ऐसा लगता है कि हर स्पोर्ट्स का जॉनर अलग हो
होता है वो एक अलग जोनर है, उसको शूट किया गया अलग से क्योंकि उसका स्टोरी टेलिंग बहुत अलग है. पंगा में का स्टोरी टेलिंग बहुत अलग है. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटैगनिस्ट हु अबाउट फैमिली रिलेशनशिप्स, अबाउट एवरीवन सपोर्टिंग ईच अदर. और मुझे नहीं चाहिए था कि दो फिल्म एक फिल्म में बने, इन द सेंस दैट मुझे टिपिकल स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स जैसा नहीं करना था उसको, मुझे एक मीनिंग लेके आना था उसमें भी. तो माय होल थिंग वाज व्हिच आई एम गोइंग टू बी डिस्कवरिंग नाउ. मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने सोचा कि जब एक लायनस जाती है, जब एक टाइगरस जाती है अपना जंगल में और वो खाना ढूंढने जा रही है, तो उसे जाते जाते और जब आता है प्रीडेटर तो वो पाउंस करते हैं, तो जैसे वो होता है वाइल्ड लाइफ में, और फिर वो अपने कब्स को बचाती भी है और कब्स को घुमा के फिर लेके जाती है. फैमिली में भी आप वही करते हो और कबड्डी में भी वही होता है. तो मैंने अपना जितने भी कबड्डी पोर्शंस हैं उसको एक वाइल्ड लाइफ, मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मैंने बहुत सारा देखा क्योंकि आप पूरी एजिलिटी के बारे में ही बात करते हो कबड्डी में, आप पूरा यही देखते हो कि एक एनिमल कैसे जाके पाउंस करते हैं और कैसे जाके पुल करते हैं और उधर क्या होता है. कबड्डी इज दैट एंड ऑल्सो इट्स अ ग्रुप गेम, इट्स नॉट अ इंडिविजुअलिस्टिक गेम. तो वो ज़्यादा है. अच्छा, एक चीज और कि कंगना इस फिल्म की हीरोइन है और कंगना की जो छवि अभी हाल फिलहाल जो पिछले 3-4 फिल्मों से बनी है कि हर डायरेक्टर से उनका पंगा हो जाता है, चाहे बात फिल्म हंसल मेहता की फिल्म की बात हो, सिमरन की बात हो, चाहे मणिकर्णिका की बात हो, क्रेडिट लेने की बात हो, जजमेंटल है के दौरान भी कुछ प्रमोशन के दौरान कुछ पंगा हो गया था. तो कहीं आपके मन में कुछ ऐसा था कि कंगना के साथ आप कैसे काम करेंगी, कैसे कोप अप करेंगी क्या? और जिस तरह की खबरें छप रही थी जब शूटिंग हो रही थी कि कंगना ने आपको बहुत परेशान करे कंगना आपको, तो आप क्या कहना चाहेंगे कंगना के बारे में? मैं खुद का ओपिनियंस बनाती हूँ. मुझे नहीं लगता है कि आई हैव द राइट टू मेक माय ओपिनियंस बेस्ड ऑन अदर पीपल्स जजमेंट. उधर क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, वो आई एम नॉट नो वन टू बी स्पीकिंग अबाउट इट. और मैं क्योंकि मैं अपना खुद का जजमेंट्स बनाती हूँ, मुझे चाहिए था कि मेरी रिलेशनशिप जो है वो मेरी रिलेशनशिप हो, एंड दिस रिलेशनशिप वॉज प्योरली बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. एंड ऑल्सो शी एज अ पर्सन एंड ऑल्सो एज अ क्रिएटिव पर्सन, शी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड वेरी वेल वर्स्ड विद she does and I am also like that. तो मतलब इंटेलिजेंस पता नहीं मुझे, पर आई एम वेरी वेल वर्स्ड इन माई क्राफ्ट एंड शी रिस्पेक्ट्स पीपल लाइक दैट. शी रियली रिस्पेक्ट्स पीपल हु नो देयर क्राफ्ट एंड हु नो कि क्या कर रहे हैं. मैं बहुत ही वेल प्लान्ड हूँ, मैंने सब कुछ ही तैयार रखा था और वो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हुआ क्योंकि कुछ भी नथिंग वॉज लेफ्ट कि हो जाएगा कर लेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं. एंड हमारी बहुत जमी इसके लिए क्योंकि हम बहुत ही ऑनेस्ट थे एक दूसरे के साथ, और अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था मैं बोल देती थी. अगर आप बोल रहे हो कि उसने एक आइडिया दिया कि ये ऐसा हो सकता है या ये लाइन ऐसा हो सकता है, वो तो मेरी DOP भी देते हैं, वो तो मेरा फर्स्ट AD भी देता है, मेरी DA भी देती है, सब देते हैं. एडिटर भी बोलते हैं कि इसको ऐसे शूट करो. इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. वैल्यू एडिशन फॉर सम वन ऑफ दैट कैलिबर, अगर उन्होंने कुछ सोचा है, अगर वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए. आपको अगर अच्छा लगा आप बिना ईगो के साथ उसको यूज़ कीजिए. आपको नहीं अच्छा लगा तो आप बोल दीजिए कि मुझे नहीं अच्छा लगा और मैं क्यों नहीं यूज़ कर रही हूँ. कोई आपको आके पकड़ने नहीं वाला बोल के कि, पर अगर आप सामने से एक बैरियर डाल दोगे, बोलोगे मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुना, तुम आओ सेट पे करो और जाओ, वो गलत होगा. दैट्स नॉट राइट बिकॉज एन एक्टर इज द फेस ऑफ द फिल्म. ऐसे भी हमने पढ़ा था कि बहुत लोगों ने आपको मना किया था कि आप कंगना के साथ काम ना करें क्योंकि उनकी इमेज ऐसे एक ट्रबलसम व्यक्ति की बन गई है. तो ऐसा आपके साथ हुआ था? अब देखिए, एक कहावत है जो मैंने खुद ऐसे आई थिंक नितेश ने एक एड लिखी थी, इट वॉज बेसिकली ये बोल के कि दुनिया में मुफ्त के एडवाइस बहुत मिलते हैं. तो बेसिकली ये सही है कि आप बीमार पड़ते हो तो आपको 10 लोग बोलेंगे कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या दवाई लेना चाहिए. तो मैं जिसकी एडवाइस मैं रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उसके बारे में सोचूंगी, क्योंकि जिसकी एडवाइस मैं रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ मैं, वो मेरा मानना है कि मेरा डिसीजन है. एंड अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो दैट्स माई थिंक. नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की जो फिल्म बना रही, बायोपिक बना रही है, उसके बारे में क्या कहेंगी, क्या कुछ खास बताना चाहेंगे? आई थिंक आई एम वेरी फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड कि उन्होंने मुझे चुना ये फिल्म बनाने के लिए. और ये फिल्म नहीं, एक लाइफ है,
और मे बी अगर ये बनाने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मैं बहुत प्यार से रिटायर होंगी इसके लिए। क्या कहना चाहती हैं उनकी कहानी से आप? बहुत कुछ, अभी तो लिख रहे हैं और बहुत कुछ कहना है, तो मतलब पता नहीं कैसे कहेंगे इतनी सारी चीजें एक इसमें, लिखते हैं। वो दोनों अपनी सिंप्लिसिटी के लिए काफी जाने जाते हैं। हाँ जी, और आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई हैव ऑलवेज एडोर्ड और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे भी अगर लाइफ जीना है तो मुझे सुधा मूर्ति की तरह जीना चाहिए लाइफ। अच्छा, चलिए विपिन से खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और पंगा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई।